नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के शुरू में। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक नजर आज की मुख्य और बड़ी समाचार की ओर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी यादव के तमाम कार्यकर्ता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वह जातीय जनगणना कराएं। जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की सहमति भी नीतीश कुमार को मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जातीय जनगणना के मुद्दे पर समीक्षा बैठक नहीं किए हैं। और इस चीज को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज जबरदस्त तरीकों से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी हमने बातचीत की थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ जातीय जनगणना। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा चूक मामले में, जिस तरीके से पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, अब इस मामले के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश सामने आया। कमेटी बनाकर जांच किए जाने चाहिए थी और जांच किया जाएगा। इसके साथ ही रिटायर जज, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज इस कमेटी को बनाने का कार्य करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को हटा दिया गया है और फिल्टर को लगा दिया गया है, तो बेहद बड़ी खबर है। जहाँ आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ अब प्रधानमंत्री की तस्वीरें हट गई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, आपको बता दें कि एक बार फिर से श्रीलंका ने लगाया चीन से गुहार। दरअसल आपको बता दें कि चीन से गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज को माफ किया जाए और इसके साथ ही उसे राहत की सामग्री देने में राहत दी जाए। चीन लगातार श्रीलंका का खजाना खाली करने में लगा हुआ है, बड़ा लोन दिया हुआ है और इस लोन को लेने के लिए पूरी तरीके से आगे आ रहा है। बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि भारत से श्रीलंका को कुछ मदद मिल सकेगी। यह बेहद बड़ी तस्वीर होगी। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, अब सोने की कीमत कम होगी। दरअसल आपको बता दें कि आज से सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर सोना खरीदना है आपको तो इससे बड़ा सुनहरा अवसर नहीं हो सकता। सोने की खरीदारी करने वाले तमाम लोगों को इस समय का इंतजार होता है, लेकिन अब सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। अब यह सोने की कीमत मार्च अप्रैल तक बढ़ भी सकती है, इसलिए अगर सोना खरीदना है तो इससे बड़ा सुनहरा अवसर आपको नहीं मिल सकता। सोने की खरीदारी आज ही कर लीजिएगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जाप प्रमुख पप्पू यादव ने आज बड़ा आंदोलन किया और आज पप्पू यादव रेल के सामने आकर, जल्द चलती ट्रेन के सामने पप्पू यादव आकर अपना विरोध किए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को मांगा जाना चाहिए। उन्होंने चक्का जाम करने की भी बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही है। अगर सरकार किसानों की बातों को माने तो MSP पर फिक्स कानून और सरकार इन तमाम चीजों के मुद्दों पर कार्य करे, लेकिन वह सरकार जो है सिर्फ किसानों को भ्रमित कर रही है और बहलाने फुसलाने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने रहेगी। एक बड़ा नाम दिया गया प्रधानमंत्री के इस अपकुदारे की बैनर और पोस्टर पर, इस बात दिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इसके साथ शाह और मोदी की जोड़ी भी टूटती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं शाह और मोदी की तस्वीरें एक साथ लगती थी, लेकिन अब योगी और मोदी की तस्वीरें एक साथ। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर के आपको बता दें कि अपनी संपूर्ण ताकत का इजहार किया और पंजाब में चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी अब नए तौर तरीकों से चुनाव लड़ने का कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है और सीटों के बंटवारे के साथ अब पंजाब में एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की आशंकाएं भी जताई गई है कई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए कई सोशल साइट्स की मदद लेना शुरू कर दिया है। वहीं आम जनों तक अपना पहचान और आम जनों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पिकअप वाहन का भी मदद ली जा रही है, जिस पर प्रोजेक्टर के माध्यम से चौक चौराहों पर इसके माध्यम से कांग्रेस प्रचार प्रसार करेगी और बताएगी कि किस तरीके से वो इस बार का चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ रही है और क्या कुछ आने वाले समय का एक मुद्दा होगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम पार्टियों के साथ बैठक की और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर बड़ी समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी सरकार से नाराज खासा कुछ पार्टियों को मनाने का भी कार्य जारी है। क्षेत्रीय पार्टियां लगातार योगी सरकार से नाराज है। इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन से योगी जी उस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का इजहार किए थे जब छोटा आपको 2017 का समय था, लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की प्रचंडित। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त दरअसल आपको बता देते हैं कि देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में ट्रेनों की रफ्तार कम हो सकती है और बढ़ते ठंड के मौसम के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार कम होने की तस्वीरें सामने आ सकती है। दरअसल इंडियन रेलवे के अनुसार बढ़ रहे ठंड और कोहरे के कारण और साथ ही साथ रेल पटरियों के बनने के कारण थोड़ी सी ट्रेनें परिचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है तो कई ट्रेनों के समय सीमा को बदला जा रहा है। अगर आपको भी कहीं जाना है तो पहले समय के अनुसार जाएं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज जमकर बूंदाबांदी हुई और लोगों ने ठंडी का खूब मजा लिया। दरअसल आपको बता देते हैं कि लगातार बढ़ रही ठंड और मौसम के बिगड़ते मिजाजों ने एक बार फिर से देश के विभिन्न हिस्सों में ठंड का बड़ा प्रकोप दिखाया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी जमकर की गई और आपको बता दें कि बूंदाबांदी में मौसम का जो टेम्परेचर रहा वो काफी कम होता हुआ नजर आया। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर आप भी आपको बता दें कि ट्रेवल कर रहे हैं और बसों में ट्रेवल कर रहे हैं तो इस दौरान आपके पास COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको यहाँ खासा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने साफ तौर पर सभी बस संचालकों को यह निर्देश दिया कि वह पूरी तरीके से अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर ही अपने बसों में किसी व्यक्ति को बैठाने का कार्य करें। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हुए थे लेकिन वह फिलहाल ठीक हो गए हैं कुनिया। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव आने का मामला सामने आया। दरअसल अभी की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे, जीतन राम मांझी के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसकी ट्वीट करके उन्होंने अभी खुद जानकारी दी है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल का कीमत एक बार फिर से सामान्य रहा, नहीं हुआ कम पेट्रोल और डीजल का रेट। पेट्रोल और डीजल के रेटों में कमी नहीं होने से आम जनों को परेशानियां हो रही है। आपको यह खबर विस्तार से बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत से किस तरीके से आम जनों की परेशानियां बढ़ रही है और आम जनता किस तरीके से मोदी और योगी समेत तमाम भाजपा के नेताओं को यह बताने का कार्य कर रही है कि वह इस बार चुनाव में नतीजों को आने से पहले ही जान जाए तेलों की महंगाई के कारण क्या। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल लल्लन सिंह को लेकर के लल्लन सिंह ने गोवा समेत कई राज्यों के चुनाव में एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर उन्होंने पत्ता साफ नहीं किया कि इस बार जेडीयू किसके गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। चुनाव बहुत ही करीब है लेकिन चुनाव के इतने करीब होने के साथ अभी तक जेडीयू ने अपना पत्ता नहीं खोला है कि उत्तर प्रदेश में वो किसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त दरअसल आज अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। आपको बता दें यूक्रेन पर हमला करने से रूस को मना किया है। अगर उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो रूस तबाह हो जाएगा। यह अमेरिका का सबसे बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा चेतावनी दिया है आपको बता दें रूस को। उन्होंने कहा कि आप हमला नहीं कर सकते, अगर आप हमला करते हैं तो आपको तबाही के रास्तों पर जाना पड़ सकता है, इसलिए शांति रखें।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें पंजाब में चुनाव होने हैं और पटियाला विधानसभा से कौन लड़ेगा चुनाव। पटियाला में कैप्टन की वर्चस्व होती है, कैप्टन वहां से कई बार विधायक बने हुए हैं, लेकिन अब कैप्टन के विधायक बनने को लेकर वहां से कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है और इसके साथ ही कैप्टन के विरोध में आम आदमी पार्टी किसे मैदान में उतारती है आपको बता दें कि बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन कांग्रेस ने संकेत देना शुरू किया है, दरअसल अब कैप्टन के विरुद्ध उतरेंगे सिद्धू। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया तो शेयर भी अभी के अभी तब जरूर दबा दीजिएगा। इसके साथ ही आपको बता देते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार। दरअसल आपको बता दें कि गोवा में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपनी संपूर्ण ताकत का इजहार गोवा में कर दिया है। गोवा में ममता बनर्जी की ताकत का इजहार इस तरीके से हो रहा है कि वह अब जीत हासिल करने के पूरी तरीके से सक्रिय है, गोवा के दौरे पर लगातार जा रही है और उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बार चाहे जो कुछ भी हो गोवा में सिर्फ जहां टीएमसी की सरकार बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ कई मामले सामने भी आ रहे हैं और यह मामले दरअसल कांग्रेस कमजोर करने को लेकर गए। जहां एक तरफ ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इससे काफी ज्यादा कमजोर हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती की ओर बढ़ रही है। तो अब इससे गोवा में कई लोगों ने यह भी कहा है कि गोवा राजनीतिक का एक प्रयोगशाला हो गया है, यहां पर तमाम पार्टियां अपने प्रयोग को करने आ रही हैं और तमाम प्रयोग को ना जाने वो करके जाएंगी या फिर यही रह जाएंगी। तो गोवा में प्रयोगशाला में अब नया प्रयोग जारी है और ममता बनर्जी के जीत हासिल करने का संकेत। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा अधिकारी करते हैं चुनाव में छेड़छाड़, अगर अधिकारियों के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ता बनकर नहीं की गई कार्य तो उत्तर प्रदेश में इस बार जी हां समाजवादी सरकार, इस बार समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है और इसका दावा खुद अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि उन तमाम अधिकारियों का नाम मैं चुनाव आयोग को सौंप चुका हूं जिनके द्वारा इस बार के चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता बन करके और भाजपा कार्यकर्ता समाजवादियों को ट्रोल किया जा रहा है, यह नहीं चलेगा। अगर समाजवादियों को ट्रोल करने की कोशिश की गई तो यह बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा और इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उनको हटाऊंगा, उसके बाद भी चुनाव होगा क्योंकि चुनाव में वो छेड़छाड़ कर सकते हैं उनके द्वारा किसी प्रकार से। दरअसल आपको बता दें कि छेड़छाड़ की तस्वीर आ सकती है, तो यह बातों को लेकर के आज बड़ा बयान। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, योगी जी का आज बड़ा बयान सामने आया और योगी जी अब उत्तर प्रदेश में 400 पार की सीटों को दावे भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फॉर्चून तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए भाजपा आज नया बैनर जारी की, जिस बैनर में मोदी और शाह की जोड़ी को एक तरफ कर दिया गया है, बिल्कुल अलग कर दिया गया है और योगी और मोदी को एक साथ किया गया। आज योगी और मोदी को लेकर के लिखा गया कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इस किनारे को देकर के प्रदेश में सरकार बनाने के जीत के दावे भी किए गए, लेकिन आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, जो भी चीज होंगी विस्तार से दिखाएंगे। आज इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।